इराकी राजधानी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर से 3 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इस दौरान किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं है। जानकारी की माने तो रॉकेट दागे जाने के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में सायरन सुनाई देने लगा। ये ग्रीन जोन मध्य बगदाद में स्थित है, जो कि सरकारी इमारतें और राजनयिक सुविधाओं का क्षेत्र है। आपको बताते चले कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इस दौरान अमेरिकी दूतावास को कई बार निशाना बनाया जा चुका है, जबकि अमेरिका ने ग्रीन जोन पर इस तरह के हमलों के लिए ईरान समर्थित अर्धसैनिक समूहों को दोषी ठहराया है। वहीं इससे पहले बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7 और 8 जनवरी को भी रॉकेट से हमला किया गया था। इस दौरान 7 जनवरी को ईरान ने इराक में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक भी मारे गए हैं।